देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए, और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी, और जो शेड्यूल लाइन की बात है तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए, और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडे होंगी। नीतीश कुमार जी, बिहार को गौरवान्वित और भारत के बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अबरार उल हक रहमानी। दर्शकों, क्या वाकई 24 के नतीजों के बाद अब एक और नतीजा को लेकर ख़ास तौर पर इस समय काफ़ी ज़्यादा स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं बनती बिगड़ती दिखाई दे रही है? और वो बात ये है दर्शकों कि जिस ढंग से नतीजे आए हैं और किसी को भी बहुमत नहीं मिली है, तो जाहिर सी बात है कि अब जो आंकड़ों का खेल है, जो तोड़ जोड़ की राजनीति आप लगातार देखते हैं, वो कहीं ना कहीं अब पूरे तौर पर यहाँ पर देखने को हमें मिल रही है। और ख़ास तौर पर ये बात निकल करके सामने आ रही है दर्शकों कि इस वक्त जिन जिन मुद्दों को लेकर के ये दावे किए जा रहे थे, ये बातें कही जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी को उन मुद्दों पर जीत मिलेगी, वो बिल्कुल भी नहीं मिल पाई। और अब आप देखिए कि जीत भी ऐसी मिली कि वो पूरी तरीके से मझधार में फंस गए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और तमाम ऐसे चेहरों को लेकर के उनको अब मनाने की नौबत आ गई है। और इस बीच जो खबरें इस समय चल रही है, चाहे वो मंत्री पद को लेकर के हो, मंत्री पद पर अपनी दावेदारी को लेकर के, वो धड़ल्ले से जो है एक के बाद एक हमें देखने को मिल रही है। और इससे साफ तौर पर पता चलता है कि कहीं ना कहीं ये एक दबाव और प्रेशर पॉलिटिक्स के तौर पर जो है काम करता है। और यही वजह कि चंद्रबाबू नायडू की बात करें हम, नीतीश कुमार की हम बात करें, वो तमाम जो है अपने पदों को लेकर के यहाँ पर दबाव बना रहे हैं। और ख़ास तौर पर भाजपा के लिए बड़े परेशानी का कारण है, चूँकि बीजेपी जो है इस तरीके की गठजोड़ की सरकार चलाने को लेकर के जो है कंफर्टेबल नज़र नहीं आती। और यही वजह है कि आप देखें कि जब से इस बात की चर्चा शुरू हुई है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के उस तरफ जाने की, तब से ही जो है पूरे तौर पर मंत्री पद को लेकर के या तमाम अन्य चीज़ों को लेकर के चर्चाएँ जो है वो ज़ोरों पर है। क्या वाकई ये जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है वो शांत हो पाएगी? आखिरकार इस बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? दर्शकों, देखिए इस रिपोर्ट। अगर आप 10 घंटे काम करेंगे तो मोदी 18 घंटे काम करेगा। आप 2 कदम चलेंगे तो मोदी 4 कदम चलेगा। हम भारतीय मिलकर चलेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। तीसरे कार्यकाल में देश बड़े फैसलों का एक नया अध्याय लिखेगा, और ये मोदी की गारंटी है। तो आपने देखा दर्शकों, क्या वाकई ये जो दावेदारी है, ये जो बातें कही जा रही है, और ख़ास तौर पर जो विपक्षी खेमा भी लगातार आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सभी को साधने का प्रयास कर रहा है, क्या इसमें वो पूरी तरीके से सफल हो पाएंगे? और एक बड़ा प्रश्न है, एक बड़ा सवाल ये भी है कि आखिरकार जो है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और अन्य जो है राज्यों की हम बात करें, वहाँ के जो नतीजे रहे वो काफ़ी ज़्यादा हैरान करने वाले रहे। और दरअसल इसी वजह से मामला इतना ज़्यादा जो है वो फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन आपको बिहार की तरफ ले चलते हैं। बिहार के बड़े चेहरे और निर्दलीय प्रत्याशी पूर्णिया सीट से जो जीत करके आए, उन्होंने एक बयान दिया दर्शकों, और जिस बयान के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा शुरू हो गई है। क्या वाकई नीतीश कुमार जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? क्या इंडिया गठबंधन में वो शामिल होकर के कहीं ना कहीं सरकार बनाने को लेकर के पूरी तरीके से फॉर्मूला तय करेंगे? दर्शकों, इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात में कितनी हकीकत है, आइए आपको पप्पू यादव को। चाहे नीतीश कुमार जी
बिहार को गौरवान्वित और भारत को बचाने के लिए जरूर वो इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे। मेरा सपना हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा। हम सबको हृदय से प्रणाम करते हैं। मैं हमको उठाना पड़ता हम धन्यवाद देना चाहेंगे फिर भी कर लिए कुशवाहा जी को कि उन्होंने 10 साल पूर्णिया की एमपी के रूप में काम किए। जो भी उन आधे अधूरे काम होंगे मैं उनको पूर्ण करूंगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा अपनी बेटी भीमा जी को। वो अलग बात है कि नोटा से के लगभग वोट आई, ये अहंकार काम नहीं आता है, ये देश ने देखा। और भारत में जो मीडिया के लोगों ने सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया जो हमें सगे भाई की तरह प्यार दिया है, मैं उनका भी ऋण नहीं भूल सकता। बहुत आप लोगों ने हमारे सच्चाई इधर वोटों से लीड किए हैं सर, क्या आप बताएंगे? मैं सभी कर्मचारी को, खास तौर पर डीएम साहब को और सभी पदाधिकारी को, डीडीसी साहब, एडीएम साहब, एसपी साहब, सभी पदाधिकारी और छोटे कर्मचारी को बधाई देता हूं कि उन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन किया और लोकतंत्र को बचाने में सबका सहयोग मिला। मुझे लगता है कि लगभग 50 और 45 के बीच में ये जीत सुनिश्चित होगी। 50 से ऊपर भी जा सकते हैं, लेकिन 45 से ऊपर का अभी तक आंकड़ा है 50। तो आपने सुना दर्शकों, क्या वाकई पप्पू यादव की बातों में दम है? चूंकि देखिए, वो भले निर्दलीय रहे लेकिन वो कांग्रेस का ही हिस्सा है, कांग्रेस में ही शामिल थे, उन्होंने अपनी पार्टी तक का विलय करवाया था। तो ऐसे चेहरों का इस तरीके से इस पूरे मामले पर बयान देना, ख़ास तौर पर ऐसे समय पर जब सरकार बनाने को लेकर के पूरी तरीके से फॉर्मेशन की जो स्थिति है वो तैयार की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के मामला जो है वो फंसता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। और ख़ास तौर पर ये भी बात इस समय समझने वाली है कि आखिरकार जो है उत्तर प्रदेश और बिहार और अन्य राज्यों की राजनीति में ये जो स्थिति बनी है वो क्यों कर बनी है। बिहार का ही एक चेहरा तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर के जो बयान दिया है, सरकार फॉर्मेशन को लेकर के क्या कहा है, देखिए इस रिपोर्ट। तो अब बिहार जो है किंग मेकर बनकर के उभर रहा है, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई सरकार जो भी आए, जो किंग मेकर, वो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाए। और जो हम लोगों ने 75% जो आरक्षण की सीमाएं बढ़ाई थी और जो शेड्यूल लाइन की बात है, तो वो शेड्यूल लाइन में डाला जाए और साथ ही साथ पूरे देश भर में जाति जनगणना वो कराए। ये हम लोगों की 3 मुख्य डिमांडें होंगी। बिहार के साथ साथ तेजस्वी जी, हाँ, भी में भी अच्छा प्रदर्शन हुआ है, अयोध्या जी दिया भाई जी, बिल्कुल। हम तो कहते थे जो नफरत की बात, प्रधानमंत्री मुसलमान भाइयों के बारे में इतना जहर बोलते थे, नफरत की बात करते थे, आज देखिए राम जी ने भी सबक सिखा दिया। चाचा को लाएंगे साथ में अगर साथ। तो आपने देखा दर्शकों, आखिरकार आज की जो बैठक चल रही है, उस बैठक के बाद अब क्या फैसले आएंगे, अब क्या स्थिति बनती नजर आएगी, आपको क्या लगता है, वाकई क्या सरकार फॉर्मेशन की स्थिति बनेगी, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जुड़े रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़ के साथ।